अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो ये देखिए, इफ्तारी करने की बात के टाइम है। तो मैं एक दिन आप लोग को बोली था ना कि इंशाल्लाह ज़रूर से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे इफ्तारी करने के बाद का रूटीन। तो देखिए, इफ्तारी करने के बाद मगरिब का नमाज़ पढ़ ली, फिर चाय वाय पी के फिर मैं ये व्लॉग स्टार्ट की। तो एक्चुअली आज हम लोग चिली चिकन और पराठा बना रहे हैं, वो भी देखिए आंगन में, क्योंकि थोड़ा सा सोचे कि पिकनिक टाइप का करते हैं। और यहाँ पे देखिए चिकन मैरिनेट करके रख दिया है। चिली चिकन का रेसिपी इससे पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस तो हम लोग सोचे कि पिकनिक टाइप का करेंगे, और दिन में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोज़े का टाइम और धूप भी होता है ना, और हमेशा हमको पिकनिक का इतना मन करता है। तो मैं जब भी ससुराल या मायके आती हूँ तो मैं ना सबको बोलते रहती हूँ कि चलो पिकनिक करते करते हैं, मुझे ना इकट्ठा सब मिलजुल के बनाओ और बना के खाओ, ये सब करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हम लोग सोचे थे कि छत पे करेंगे। तो देखिए, छत पे एक तो अंधेरा है और दूसरा तो सभी मना किए कि छत पे मत करो। तो फिर रूही ने बोली कि देखिए आप ही एक काम करते हैं, हम लोग आंगन में ही कर लेते हैं। तो रूही ने सारा इंतज़ाम की है, वो ये देखिए छोटा वाला जो गैस है वो उसके इंतज़ाम की है। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिली चिकन और पराठा। तो एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि पराठा और फ्राइड राइस बनाएंगे, बट फ्राइड राइस का जो इंग्रेडिएंट है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो जिस वजह से कैंसिल कर दिए। तो बोले कि ठीक है, पराठा ही ठीक है, क्योंकि चिली चिकन के साथ राइस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो जिस वजह से पराठा और चिली चिकन बना रहे हैं। तो भाई पिकनिक हो रहा है तो थोड़ा सा वो स्पेशल थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, तो बस वही हो रहा है। तो देखिए हम लोग तीनों ही कामों में लग गए हैं, मतलब मिल बाँट के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर झूमा आटा गूँध रही है, तो झूमा ने बोली कि आप ही हम आटा गूंदेंगे और पराठा बेलेंगे, और मैं बोली ठीक है मैं सब्ज़ी वगैरह काट देती हूँ और पराठा सेक लेती हूँ। और रूही बना रही है चिली चिकन। तो रूही तो चिली चिकन बनाने में माहिर है और बहुत ही टेस्टी बनाती है चिली चिकन, सच में बहुत टेस्टी बनाती है। तो इसका रेसिपी मैं अपना ब्लॉग चैनल में शेयर की हूँ, आप लोग अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना डिस्क्रिप्शन में वो वाला ब्लॉग का लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक्चुअली मुझे ना पहले चिली चिकन पसंद नहीं था, फिर रूही जब बना के खिलाई तब से मुझे मतलब चिली चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। तो हम लोग सोचे थे कि डिनर भी करेंगे और सहरी के टाइम भी चिली चिकन पराठा ही सहरी करेंगे, बट इतना टेस्टी बना था कि डिनर में ही सारा ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं होता है। तो बस मैं ना यहाँ पे एक फंडा हो गया था, यहाँ पे देखिए जो प्याज काटी हूँ ना, यहाँ पे मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो क्यूब क्यूब करके प्याज काटते हैं और चॉप करते हैं, तो मैं ज़्यादा क्यूब नहीं की थी, चॉप की थी, ज़्यादा प्याज को चॉप कर दी थी। तो वही रूई बोल रही थी कि मैं उतना चॉप करने के लिए नहीं बोली थी, क्यूब करने के लिए बोली थी। तो फिर से मैं प्याज मतलब काट रही हूँ, तो और मेरा बेटा को देखिए, मेरा बेटा तो हमेशा वो काम में लगा रहता है। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी तो ये क्यूब क्यूब प्याज काट लिया है, यहाँ पे अदरक लहसुन छील लिया है, और ये है कैप्सिकम, और ये देखिए चॉप किया हुआ प्याज। तो इतना चॉप किया हुआ प्याज नहीं लगेगा। और मेरा काम सब्ज़ी काटना वो हो चुका है, झूमा का काम था वो आटा गूंदना वो हो चुका है। तो पराठा बेलेगी उस टाइम, और उस टाइम मैं सेकूंगी। तो बस मैं बैठ गई हूँ और वही बना रही है चिली चिकन। तो उस टाइम हम लोग जब काम करेंगे, मतलब हम लोग पराठा सेकेंगे या बेलेंगे, तब दो रूही बैठ जाएगी, मतलब वो आराम करेगी ऐसा। तो ऐसा है। और यहाँ पे देखिए बाबू पानी ला दे रहा है, छुटपुट छुटपुट करके बहुत सारा काम कर देता है, तो उसको काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। हेल्प कुछ बोलो तो वो दौड़ के चला आता है। तो ऐसा है हम लोग का। ये देखिए इफ्तारी करने के बाद का जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा बीता कल का। और देखिए पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उतना लाइट नहीं था, अंधेरा था। तो इसलिए फ्रेंड आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि पहले तो मैं सोची थी ये व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो फिर मैं सोची क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग इतना इन्जॉय किए। और देखिए पिक्चर क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन लाइट नहीं था, जिस वजह से अंधेरा में थोड़ा सा वो लग रहा है वीडियो में, मतलब वीडियो करने के लिए जो लाइट ज़रूरत था वो लाइट नहीं था, तो जिस वजह से वीडियो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत इन्जॉय किए। तो मैं सोची ब्लॉग्स तैयार कर देती हूँ।
और ये व्लॉग को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ कल तक, यानी कि सहरी भी दिखाऊंगी आप लोग के साथ, शेयर करूँगी मैं सहरी में क्या खा रही हूँ वो। और देखिए मैं यहाँ पे पराठा सेकने लगी हूँ, और देखिए अभी दिखाती हूँ, ये देखिए झूमा पराठा बेल रही है। तो सभी पराठा झूमा बेली थी और सभी पराठा मैं सेकी थी, और रूही बना रही थी वीडियो, ये वीडियो रूही बना रही है। तो बस इसके बाद डिनर कर लेंगे, और डिनर टाइम का जो वीडियो था वो मैं लेना भूल गई, वीडियो करना भूल गई थी। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा का नमाज़ तरावी नमाज़ पढ़ ली थी, और फिर आप लोग से मैं मिलूँगी सहरी के टाइम। और पराठा जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताई कि पराठा और चिली चिकन डिनर में ही ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए सहरी के टाइम फिर से सहरी बनाए थे, और मतलब मम्मी बनाई थी सहरी। तो देखिए बाबू, मैं बोली थी ना कि वो हमेशा हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो वो वहाँ पे झूमा पराठा बेल रही है और मैं सेक रही हूँ, तो इस वजह से उधर से पराठा ले आ कर के मुझे दे रहा था। तो और बहुत अच्छा लगता है मुझे, चलो बच्चा मतलब कुछ काम करता है तो अच्छा इस काम का आदत भी दिलाना चाहिए। तो मैं शुरू से एक चीज़ में उसको मतलब घर में भी मैं उसको कुछ ना कुछ काम बोलती रहती हूँ, ताकि उसको काम करने का आदत हो, या बाहर कहीं जाए तो उसको कुछ दिक्कत ना हो, तो जिस वजह से उसको ना एक आदत हो गया है, और उसको इंटरेस्ट भी है काम करने में, उसको इंटरेस्ट भी होता है, मतलब उसको कुछ काम बोलो तो बस वो ठीक से कर लेता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पिकनिक का पूरा लुक कुछ इस तरीके से था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सहरी का टाइम हो चुका है और बन रहा है मटर घुगनी, और साथ में है पराठा, तो गर्मा गर्म पराठा और मटर घुगनी, ये है आज का सहरी। तो मैं इफ्तारी बोलने जा रही थी, तो ये है आज का हमारा सहरी। तो किसी दिन मैं चावल भी खा लेती हूँ, किसी दिन कुछ, जिस दिन जैसा मन होता है उस दिन वैसे खा लेते हैं, कुछ फिक्स्ड नहीं है कि पराठा ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब 10:30 का टाइम होगा, और हम लोग टोटो में बैठे हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो ईद का कुछ छुटपुट थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सा शॉपिंग वगैरह करने, और मैं कुछ बोल रही थी तो यहाँ पे देखिए आवाज़ ठीक से क्लियरली नहीं आया था, तो जिस वजह से आवाज़ को मतलब वॉइस को मैं म्यूट कर दी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये सीमा बाजी और मैं दोनों गई थी, और देखिए ये गांव का जो हरियाली है ना, ये बड़ा खूबसूरत होता है, तो मैं सोची आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है, और आप लोग फ़िलहाल अभी इस व्यू को एंजॉय करो, गाँव का हरियाली। तो हम लोग आ गए हैं शॉप पे, और कपड़ा देखना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ था, ईद का शॉपिंग करते तो इस दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन लॉकडाउन के लिए गैदरिंग मना था, तो जिस वजह से बहुत कम भीड़ है, और लॉकडाउन का कुछ कुछ छूट दिया गया है, तो जिस वजह से थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी हो रहा है। तो इसके बाद का जो क्लिप है ना, ये देखना, ये बाबू ने शूट किया है, बाबू ने वीडियो बनाया है, तो बाबू ने कुछ कुछ मतलब वीडियो भी कर रहा था और कुछ कुछ गाना भी गा रहा था, तो जिस वजह से मैं आप लोग को सुनाऊंगी, आप लोग सुनिए ठीक है। बहुत पसंद है, कभी केक लाया करो, मुझे मीठा बहुत पसंद है, कभी केक लाया करो, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे केक लाया करो, मुझे मीठा बहुत पसंद है, अभी केक लाया करो। तो
बस फ्रेंड मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं एडिट करते टाइम मुझे वो वॉइस सुनने को मिला, तो मैं सोची रख देती हूँ, आप लोग को भी सुनाती हूँ। होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये वीडियो। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।